भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव में 65 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिक्र करते हुए महात्मा गांधी को एक चतुर बनिया बताया। अमित शाह ने कहा, मित्रों, मुझे बहुत कम समय में बात रखनी है, इसलिए बहुत सारी पार्टियों का मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, बहुत सारी पार्टियों का दे सकता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत क्या है कोई बता सकता है मुझे? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना सिद्धांत के लिए नहीं हुई थी। ये तो किसी एक अंग्रेज ने एक क्लब टाइप का एसोसिएशन बनाया था, जो आगे चलते चलते आजादी के आंदोलन में परिवर्तित हो गया। और जब आजादी का आंदोलन हुआ, तब कांग्रेस में हर विचारधारा, हर सिद्धांत के लोग थे। राइट वाले भी थे, लेफ्ट वाले भी थे, मौलाना साहब भी थे, मदन मोहन मालवीय थे, बहुत सारे लोग थे, समाजवादी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। कांग्रेस का कोई सिद्धांत नहीं था। हर प्रकार के विचारधारा वाले लोग आजादी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का उपयोग करते थे, कांग्रेस में एंटर हो गए थे और कांग्रेस के माध्यम से आजादी का आंदोलन करते थे। तो कांग्रेस एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर, किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है, वो आजादी प्राप्त करने का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, आजादी प्राप्त करने का एक साधन थी कांग्रेस। और इसीलिए महात्मा गांधी ने दुरंदेशी के साथ, बहुत चतुर बनिया था वो, उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है, उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने नहीं कहा, मगर अब कुछ लोग उसको बिखेरने का काम समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा था महात्मा गांधी ने कि कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई सिद्धांतों के आधार पर बनी हुई पार्टी नहीं थी, देश चलाने के, सरकार चलाने के कोई सिद्धांत ही नहीं थे। और एक और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही सिद्धांतों के कारण हुई और भारतीय जनता पार्टी चली भी सिद्धांत के। शाह ने कहा कि हम अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट हैं और हम लोगों के लिए साफ हैं कि जो देशद्रोही नारे लगवाएगा वो देशद्रोही कहलाया जाएगा। इसलिए हम बहुत स्पष्ट हो गए हैं। जेएनयू में कोई जाकर कहता है कि देश के टुकड़े हजार होंगे, हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मरने के बाद भी हम भारत माता की जय बोलेंगे, हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, हमें कोई परवाह नहीं। हम कहते हैं कि देश विरोधी जो नारे लगाएगा वो देशद्रोही कहलाया जाएगा, उसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं। मगर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांतों के आधार पर, मित्रों, कंपैरिजन संभव ही नहीं। गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वर्ष 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर ध्यान केंद्रित करें और करीब 65 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का रोडमैप तैयार करें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।